बुकशेयर की तरफ से आज मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जैसे आप सभी को मालूम होगा कि एक विजुअली इम्पेयर्ड को टॉकबैक के साथ एक विजुअली इम्पेयर्ड को टॉकबैक के साथ फोन पर एंड्रॉयड फोन पर टाइप करना बड़ा ही मुश्किल होता है। हम बहुत धीरे धीरे टाइप कर सकते हैं टच स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एंड्रॉयड में। वॉइस इनपुट का टाइप इस्तेमाल करते हैं कोई लोग, लेकिन फिर भी वो इतना फास्ट नहीं होता है जितना अगर आप फिजिकल कीबोर्ड के साथ टाइप करते। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल के साथ अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाते हैं, चाहे वो फिर यूएसबी केबल वाला हो जो आप ओटीजी केबल के साथ कनेक्ट कर पाए, या फिर ब्लूटूथ वाला हो जो आप ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करें। दोनों ही कीबोर्ड एक्सटर्नल कीबोर्ड कहलाते हैं, और इन एक्सटर्नल कीबोर्ड्स को अगर आप अपने एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है, जो क्षमता है, वो काफी बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और आप आराम से कॉपी पेस्ट जैसी सुविधा का भी आप अच्छे से उपयोग कर सकते हो। आप अपने नोट्स बना सकते हो इसमें। अगर आपको कॉलेज में असाइनमेंट्स मिल रहे हैं या स्कूल में होमवर्क मिल रहा है, तो आराम से एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आज देखेंगे कि एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाने पर आप जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, इंडियन लैंग्वेजेस, आप किस प्रकार से टाइप करेंगे। इंग्लिश तो आप टाइप कर पाएंगे, लेकिन हमें क्या सेटिंग्स करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी है, गुजराती, मराठी और अन्य भाषाएं, ये आप कैसे टाइप कर पाएंगे। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि कौन सी नोटपैड की एप्लीकेशन है, बड़ी ही सिंपल एप्लीकेशन है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं नोट्स बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ नोकिया 7.2 एंड्रॉइड 10 के साथ, टॉकबैक 9.1 है। आज हम बताने वाले हैं कि एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा के आप ट्रेडिशनल या जिसे इंस्क्रिप्ट या नेटिव टाइपिंग भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल, इंस्क्रिप्ट या नेटिव टाइपिंग आप किस प्रकार से कर पाओगे। आपको सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है कि एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम है एक्स्ट्रा फिजिकल कीबोर्ड लेआउट्स। एप्लीकेशन का नाम मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एक्स्ट्रा फिजिकल कीबोर्ड लेआउट। ये आपको प्ले स्टोर पे बिना किसी शुल्क के मिल जाएगा। तब मैं प्ले स्टोर पे आपको बता भी देता हूँ ये क्या बोलता है एप्लीकेशन, टॉकबैक क्या बोलता है एप्लीकेशन का नाम। App, Google, signed in as Zanab Chinni, voice search button, search for apps and nav, press shift plus space to switch language, cap, extra, cap, y, physical, y, d, a deleted, capital L deleted, showing items 1, a, y, d, navigate up button, keyboard hidden. ये मैंने Play Store के सर्च बॉक्स में extra physical keyboard layout ये मैंने टाइप किया, तो आपको कुछ ऐसा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा फिजिकल कीबोर्ड लेआउट स्केलन। ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। स्लोअर, स्लोअर, स्लोअर। एक्स्ट्रा फिजिकल कीबोर्ड लेआउट स्केलन। इंस्टॉल बटन। फॉर यू। Quick step. Play Store has one notification. Play Store. ये जो एप्लीकेशन है ये बड़ा ही छोटा एप्लीकेशन है, सिर्फ ये लगभग 210
केवी का एप्लीकेशन है ये। यह एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपको इसका जो ऐप का आइकन है ये आपको आपके ऐप स्क्रीन में देखने को नहीं मिलेगा। इसकी हमें सेटिंग्स करनी है और उसके बाद आप अपने एक्सटर्नल कीबोर्ड के साथ भारतीय भाषाओं में टाइप कर पाओगे ट्रेडिशनल इंस्क्रिप्ट या नेटिव तरीके से। आगे स्टेप नंबर 2 बताने के पहले मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। ये वाला जो मेथड है, ये जो प्रक्रिया है, ये सबसे अच्छी स्टॉक एंड्रॉयड में चलती है। हमने कई सारे मोबाइल्स के साथ हमने टेस्टिंग करी है, लगभग 25 मोबाइल्स के साथ हमने टेस्टिंग करी है और हमने ये देखा है कि ये स्टॉक एंड्रॉयड में सबसे अच्छा चलता है। स्टॉक एंड्रॉयड के मोबाइल्स जैसे कि या तो मोटोरोला के मोबाइल हो अगर आपके पास, नोकिया, या फिर गूगल के मोबाइल अगर आपके पास है, तो ये मेथड बड़ी अच्छे से काम करेगी। और कुछ सैमसंग फोन्स में भी ये काम करती है और कुछ अन्य फोन्स में काम करती है, पर सबसे बेहतर ये स्टॉक एंड्रॉयड में काम करती है। तो चलिए हम इसकी सेटिंग्स करते हैं। आपको सेटिंग्स का ऐप खोलना है। सेटिंग्स, सेटिंग्स, सर्च सेटिंग्स। अब सेटिंग्स आने के बाद आपको लैंग्वेज एंड इनपुट में जाना है। कुछ फोन्स में लैंग्वेज इनपुट डायरेक्ट बाहर दिया होता है, कुछ फोन्स में ये सिस्टम करके एक ऑप्शन है उसके अंदर आता है। आपको अब आपका कीबोर्ड लगाना है, आपका जो फिजिकल कीबोर्ड है चाहे वो ब्लूटूथ का हो या यूएसबी का हो, ये आप कनेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद आपको सेटिंग्स में लैंग्वेज एंड इनपुट में जाना है। अगर आपका स्टॉक एंड्रॉयड है तो सेटिंग्स के अंदर सिस्टम में लैंग्वेज एंड इनपुट ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका सैमसंग मोबाइल है तो सेटिंग्स में जनरल मैनेजमेंट के अंदर लैंग्वेज एंड इनपुट मिलेगा। Google Server System Languages Gestures Time Backup 15 of 16। ये सिस्टम का हमें ऑप्शन मिल गया और मैंने अपना फिजिकल कीबोर्ड भी लगा लिया है, तो अब हम इस सिस्टम के ऑप्शन में जाएंगे क्योंकि हमें लैंग्वेज इनपुट पे जाना है। सिस्टम नेविगेट अप बट सिस्टम सर्च सेट गेस्टचर्स 2 ऑफ लैंग्वेजेस एंड इनपुट जीबोर्ड 1 ऑफ 6 गेस्टचर्स लैंग्वेजेस एंड इनपुट जीबोर्ड 1 ऑफ 6 ये लैंग्वेजेस एंड इनपुट ये ऑप्शन मिल गया, हम इसके अंदर जा रहे हैं। लैंग्वेजेस एंड इनपुट नेविगेट अप बटन आउट ऑफ लिस्ट। ध्यान रहे ये स्टेप पर हमने कीबोर्ड लगा लिया है, तो लैंग्वेजेस एंड इनपुट में जाने के बाद आपको फिजिकल कीबोर्ड नाम के ऑप्शन में जाना है। लैंग्वेजेस एंड सर्च सेट कीबोर्ड्स हेडिंग वर्चुअल कीबोर्ड गूगल वॉइस टाइप कीबोर्ड्स हेडिंग 2 ऑफ 5 ये कीबोर्ड्स की हेडिंग है और फिर उसके नीचे दो ऑप्शंस मिलेंगे, वर्चुअल कीबोर्ड और फिजिकल कीबोर्ड। हमें फिजिकल कीबोर्ड के अंदर जाना है। वर्चुअल कीबोर्ड गूगल वॉइस टाइपिंग जीबोर्ड एंड गूगल इंडेक्स कीबोर्ड 3 फिजिकल कीबोर्ड WFDO हिट डिवाइस 4 ऑफ 5 ये फिजिकल कीबोर्ड का ऑप्शन तभी एक्टिवेट होगा जब आपके पास फिजिकल कीबोर्ड कनेक्टेड हो। अभी कनेक्टेड है और ये कीबोर्ड का नाम भी बता रहा है, तो मैं इस ऑप्शन के अंदर जा रहा हूं। फिजिकल कीबोर्ड नेविगेट अप बटन आउट फिजिकल कीबोर्ड सर्च सेटिंग्स फिजिकल कीबोर्ड हेडिंग 1 ऑफ 5 इन लिस्ट 5 आइटम्स WFDO हिट डिवाइस इंग्लिश US 2 ऑफ 5 कीबोर्ड असिस्ट WFDO हिट डिवाइस इंग्लिश US 2 ऑफ 5 अब फिजिकल कीबोर्ड के ऑप्शन के अंदर जब चले गए तो इसके अंदर जाने के बाद हमें वापस हमारे कीबोर्ड का जो नाम है वो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मेरे लिए जो मेरे कीबोर्ड का नाम है वो ये है WFDO hit device English US 2 of 5 आपके आपके लिए ये कुछ और होगा, तो आपको इस ऑप्शन के अंदर जाना है। Choose keyboard layout English US Android keyboard ticked radio button out of list। जैसे ही हम इसके अंदर चले गए तो हमें Choose keyboard layout ये एक विंडो खुली है और यहाँ पे
इंग्लिश यूएस सिलेक्टेड है पहले से, आपके केस में हो सकता है कि डिफॉल्ट बोले, डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा पहले से, मेरे इसमें इंग्लिश यूएस एंड्रॉयड कीबोर्ड सिलेक्टेड है। खैर, हमें आगे इस विंडो में सेटअप कीबोर्ड लेआउट के ऑप्शन में जाना है। ऊपर चाहे कुछ भी सिलेक्ट हो, हमें सेटअप कीबोर्ड लेआउट के ऑप्शन में जाना है। सेटअप कीबोर्ड लेआउट्स बटन, कीबोर्ड लेआउट्स, नेविगेट अप बटन। हम कीबोर्ड लेआउट्स के ऑप्शन में चले गए। अब ये जो ऑप्शन है स्टॉक एंड्रॉइड में, ये ऑप्शन मतलब सारी ही एंड्रॉइड में यहाँ अलग-अलग भाषाओं की लिस्ट आती है, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड में आप एक से ज्यादा भाषाएं चुन सकते हैं। सैमसंग के डिवाइस में आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही भाषा चुन सकते हैं। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो यहाँ आके आपको हिंदी सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप हिंदी में लिख पाएंगे। अगर फिर आपको हिंदी के बाद में, मान लीजिए अगर आपको मलयालम में लिखना है, तो आपको वापस वो चेंज करके मलयालम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ स्टॉक एंड्रॉयड अगर है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक ही टाइम पे एक से ज्यादा भाषाएं चुन सकते हैं। तो मैं यहाँ हिंदी चुन लेता हूँ, गुजराती चुन लेता हूँ और मराठी मैं यहाँ चुन रहा हूँ। यहाँ तीन भाषाएं मैं चुन रहा हूँ और ये सारी भाषाएं जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। तो पहले हम गुजराती चुनेंगे क्योंकि जी पहले आता है एच के। Armenian phonetic extra keyboard layouts off switch 5 of 182. Armenian typewriter extra keyboard layouts off switch 6 of 182. या अलग अलग भाषाओं के नाम है और आप सुन पा रहे होंगे कि ऑन स्विच या ऑफ स्विच है यहाँ पे। अब बस आपको जो भाषा चाहिए उस पे आपको उसे ऑन करना है। तो हम फटाफट गुजराती, हिंदी और मराठी ढूंढ लेते हैं। Bashkir extra keyboard layout. Bosniak Cyrillic extra. Kalamic mod DH extra keyboard layout. Czech QWER. Dutch extra keyboard layouts off. English UK Android keyboard off switch. Estonian Android keyboard off. German IBM extra keyboard layouts off switch. Greek. Greek 220 extra. Greek 220. Greek 309. Greek Latin extra. Greenlandic extra keyboard. गुजराती एक्स्ट्रा कीबोर्ड लेआउट्स ऑफ स्विच 65 ऑफ 182। ये हमारे पास 182 ऑप्शंस है और गुजराती जो है 65 नंबर पे आ रहा है। हम इसे ऑन कर रहे हैं, इसे डबल टैप करके ऑन कर देंगे। एक्स्ट्रा कीबोर्ड लेआउट्स ऑन। गुजराती एक्स्ट्रा कीबोर्ड लेआउट्स ऑन स्विच 65 ऑफ 182। ये ऑन हो गया, गुजराती ऑन हो गया। वैसे ही हमें हिंदी ऑन करना है। Helmic, Hausa, X, Hawaiian, X, Hebrew, Hebrew Standard Extra, Hindi Traditional INSCRIPT, Extra Keyboard Layouts Off, Switch, 71 of 182. ये हिंदी मिल गया, हिंदी हमने ऑन कर दिया। Extra Keyboard Layouts, On. अब हम वैसे ही मराठी भी ऑन कर लेते हैं। Irish, Extra Keyboard Layouts Off, Latvian QWERTY, Extra Keyboard Layouts, Mongolian Mongolian script extra keyboard layouts off switch. Marathi Swali Marathi extra keyboard layouts off switch 106 of 182. ये हमें मराठी मिल गया, हम इसे भी ऑन कर लेते हैं। Extra keyboard layouts on. अब जैसे ही आपने अपनी पसंद की भाषा है, जिस भाषा में आप लिखना पसंद करते हैं, आप लिखना जानते हैं, वो आपने ऑन कर ली, तो आपको एक बार बैक जाना है। तो वापस हम पहुंचेंगे चूज कीबोर्ड लेआउट वाली विंडो में। Choose keyboard layout. English US Android keyboard ticked. Radio button 1 of 4 in list 4 items. तो यहाँ बता रहा है कि चार आइटम्स अभी सिलेक्टेड है। इंग्लिश सिलेक्ट करना जरूरी है, अगर आपको इंग्लिश में भी लिखना है तो इंग्लिश सिलेक्ट आप कर लीजिए। गुजराती, हिंदी और मराठी मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है। Gujarati extra Marathi extra keyboard layouts not ticked. Radio button 4 of 4. अब यहाँ ये चार चारों भाषाएं यहाँ दिखा रहा है और इसके नीचे एक लाइन और है जो बड़ी काम की है, To switch, press control space bar out of list. जो बोलता है कि टू स्विच प्रेस कंट्रोल प्लस स्पेस बार।
यानी कि अगर आपको इन चारों में से लैंग्वेज स्विचिंग करनी है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे आपके फिजिकल कीबोर्ड में तो लैंग्वेज स्विच होगी। तो अभी हमारी इंग्लिश सिलेक्टेड है, अभी आपको ये सेटिंग्स आपकी हो चुकी है। अब यहाँ बैक जाना है और आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करना है जिसमें आप लिख पाएंगे। फिजिकल कीबोर्ड सिस्टम क्विक स्टेप सेटिंग्स आउट ऑफ लिस्ट होम स्क्रीन 2 of 3 गूगल इंडेक्स कीबोर्ड नोटपैड फ्री। अब मेरे पास ये एप्लीकेशन है नोटपैड फ्री नाम की एक एप्लीकेशन है। ये बड़ी ही अनोखी एप्लीकेशन है जो आपको नोट्स बनाने में मदद करती है। आप नोट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। बड़ी ही आसान एप्लीकेशन है, बच्चे भी इसे यूज कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल इसका लेआउट है। तो ये एप्लीकेशन हम खोलेंगे और इस एप्लीकेशन के अंदर हम लिख के आपको बताएंगे कि कैसे आप हिंदी में और जो हमने चार भाषाएं सेलेक्ट करी इसमें हम लिख पा रहे हैं। नोटपैड फ्री ओपन नेविगेशन ड्रॉअर बटन। तो ये नोटपैड फ्री खुल गया है, हम एक नया नोट बनाएंगे। नोटपैड फ्री सर्च सॉर्ट मूव ऑप्शंस बटन हेलो हाउ आर यू न्यू नोट बटन आउट ऑफ लिस्ट। न्यू नोट बटन पे मैं एंटर कर ऑल्ट एंटर कर रहा हूँ। अगर आप टॉकबैक कीबोर्ड के साथ यूज करना चाहते तो डबल टैप का शॉर्टकट है ऑल्ट एंटर। Showing English India QWERTY keyboard. Notepad free. Editing, enter title, edit box. अब ये बोला पहली बार, enter title. Title हम कभी खाली छोड़ देते, नीचे जाते, अगले टेक्स्ट बॉक्स में जाते, लेफ्ट से राइट करके एंटर टेक्स्ट एडिट बॉक्स एंटर टेक्स्ट और यहाँ पे हम डबल टैप करें। Showing English India QWERTY keyboard. हमारा कीबोर्ड भी खुला है। अब कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो लैंग्वेज स्विच होगी। गुजराती गुजराती बोला ये। हिंदी ट्रेडिशनल INSCRIPT हिंदी मराठी मराठी इंग्लिश US और वापस इंग्लिश आ गई। अभी हम अगर ये इंग्लिश है तो ये इंग्लिश लिख रहा है बराबर AN संजोक IM video I am creating a video beginning of field I am creating a video end of field ye maine english mein likha select clear text clear kar diya maine select all karke control a aur backspace daba ke ab main hindi kar raha hu control space se gujarati hindi traditional INSCRIPT ye hindi ho gaya ab main hindi mein inscript tarike se yani ki जो ट्रेडिशनल तरीका है नेटिव तरीका है उससे मैं टाइप कर रहा हूँ। नेटिव तरीके में ये होता है कि आपको जैसे के अगर आप दबाएंगे तो क लिखेगा, शिफ्ट के साथ अगर के दबाएंगे तो ख लिखेगा, वैसे ही आई दबाएंगे तो ग लिखेगा और शिफ्ट के साथ आई दबाएंगे तो घ लिखेगा घर वाला। तो मैं आपको लिख रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ। ख लिखा ग लिखा मैं ग स स लिख दिया इसने। तो ये कैसे आप लिख रहे हैं, ये कैरेक्टर भी बोल रहा है, स्पेस दबा रहा हूँ तो जो शब्द लिखा वो भी बोल रहा है। आपको मैं शब्द लिख के भी बता देता हूँ। स क्लियर टेक्स्ट क र अन करण ये मैंने करण लिख दिया यहाँ पे। क्लियर टेक्स्ट घ र घर घर ये सारे हम आराम से हिंदी में लिख पा रहे हैं और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक पढ़ रहा है। सब क्लियर टेक्स्ट मैं लैंग्वेज बदलने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास गूगल टेक्स्ट टू स्पीच है तब भी ये होगा, ऑटो TTS है तब भी ये होगा। इसी प्रकार मैं आपको गुजराती में लिख के बता देता हूँ। मराठी इंग्लिश US गुजराती गुजराती में लिख हम र घर इसने घर लिखा मैंने। तो कैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आवाज भी इसकी बदल गई, गुजराती वाली हो गई है। मैं आगे और आपको लिखता हूँ, करण लिखते हैं वापस।
करण इसने बोला। क्लियर टेक्स्ट। इस प्रकार आप एक्सटर्नल कीबोर्ड के माध्यम से और इस एप्लीकेशन के माध्यम से, एप्लीकेशन का नाम है एक्स्ट्रा फिजिकल कीबोर्ड लेआउट, ये एप्लीकेशन के माध्यम से आप आसानी से अपनी पसंद की भाषा भाषा के साथ, अपना फिजिकल कीबोर्ड के साथ लिख सकते हैं, टाइपिंग आप कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल, ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है, हमने इसके अलावा एक टेक्स्ट ट्यूटोरियल यानी कि डॉक्यूमेंट में ट्यूटोरियल भी बनाया है। अगर जिसको पढ़ के सेटिंग्स करना पसंद है, अगर और अगर जानना है कि सैमसंग मोबाइल में कैसे सेटिंग्स होती है, तो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है जो जल्द ही बुकशेयर पे अवेलेबल होगा। आप वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके इसकी सेटिंग्स आप पढ़ के अपने आप कर भी सकते हैं। वो अगर आप बुकशेयर पे जाके अगर सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स में अगर ये लिखेंगे टाइपिंग इंडियन लैंग्वेजेस यूजिंग एक्सटर्नल कीबोर्ड, बुक का नाम है टाइपिंग इंडियन लैंग्वेजेस यूजिंग एक्सटर्नल कीबोर्ड, ये अगर आप बुक शेयर में लिखेंगे तो आपको बिल्कुल इसकी सेटिंग्स, जो सेटिंग्स करनी है जरूरी सेटिंग्स, उसकी आपको बुक मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप ये सेटिंग्स करके अपने अपने फोन में भारतीय भाषाएं के साथ आप अपना होमवर्क फिजिकल कीबोर्ड के साथ टाइपिंग कर सकते हैं, फटाफट आप अपना होमवर्क कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं। किसी को अगर आपको मैसेज भेजना है तो वो भी आसान हो गया है, आपको बार बार वॉइस मैसेज भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसमें टाइपिंग करके मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और कोई जानकारी अगर चाहिए या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमारी बुकशेयर की हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 9284028466। ये पहला हेल्पलाइन नंबर है, हमारा टेक्निकल हेल्पलाइन का नंबर है। मैं नंबर वापस दोहरा रहा हूँ, 9284028466। और अगर आपको बुकशेयर से इसकी किताब डाउनलोड करनी है या और भी कोई, हमारे पास जो 9,60,000 किताबों का जो कलेक्शन है, उनमें से अगर आपको कोई किताब डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इसके लिए हमारा मेंबरशिप का हेल्पलाइन नंबर है 9650211575। मेंबरशिप हेल्पलाइन नंबर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 9650211575। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।